हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर चैनल वंस अगेन मैं आपके अपने ही चैनल में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों जैसे हम जानते हैं हमने लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर है चैप्टर थ्री ए जो कि डिमांड एनालिसिस है हमारा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कम्पलीट स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि हमारा चैप्टर थ्री बी है ओके okay, तो हम शुरुआत करेंगे आज हमारे चैप्टर थ्री बी से जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है प्रीवियस चैप्टर में जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप जो है जो कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या है यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप किसके है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी किसी भी कमोडिटी या किसी भी वस्तु की प्राइस और उसका क्वांटिटी जो डिमांड होता है उसका आपस में जो इनवर्स रिलेशनशिप है हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा कितने तर, तरीके के टाइप्स होते हैं हमने पढ़ा है उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है उसके कुछ एक्सेप्शन जो है वो पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएशन इन डिमांड पढ़े हैं जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है हमने फिर उसके बाद हमने पढ़ा है चेंजेस इन डिमांड जो कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड है राइट right? तो ये सारी चीजें हमने हमारे डिमांड के चैप्टर में कंप्लीट कर ली थी आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पहले तो ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे जैसे आप जानते हो एक रबर बैंड होता है रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच होने वाली है अब जैसे ये पेन ये पेन स्ट्रेच नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है ये पेन स्ट्रेच क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है इसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं यानी हम इसको नहीं खींच सकते हैं लेकिन जो रबर बैन होता है हम उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है इलास्टिक वाली कि किसी भी वस्तु की ऐसी क्वालिटी जो अपने जिसको हम स्ट्रेच कर सके <coughs> खींच सके और उसके बाद वापस वो अपने शेप में वापस जो है वो आ जाती है <coughs> साइंस के हिसाब से अगर हम समझे तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है चेंज होती है किस क्यों चेंज होती है कई सारे फैक्टर्स है जो हमने देखे जो डिमांड दि को डिटरमाइन करते हैं जैसे प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है उसके बाद इनकम है उसके बाद हमारा टेस्ट है हैबिट है प्रेफरेंसेस है सब्सटीट्यूट के प्राइसिंग है या सब्सटीट्यूट में किसी तरीके का चेंज आना तो ये सारी चीजें जो है बच्चों वो क्या है कहीं ना कहीं हमारे डिमांड के फैक्टर को जो है वो चेंज कर देती है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके लास्ट लास्ट चैप्टर जो है हमारा डिमांड एनालिसिस उस चैप्टर में हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा है जिसने हमको समझाया है इन्वर्स रिलेशनशिप किसका इनवर्स रिलेशनशिप समझाया है क्वांटिटी डिमांडेड का किसका समझाया है क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का इन दोनों का एक इनवर्स रिलेशनशिप है जो आपस में जुड़े हुए हैं

अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल तो इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आना किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आना चाहे वो प्राइस में चेंज आना हो चाहे वो इनकम में चेंज आना हो चाहे किसी कंज्यूमर के हैबिट्स में चेंज आना हो तो ये जो ये जो चीजों में चेंज होता है ये वेरिएबल्स है हमारे तो इसमें चेंज होता है तो अपने आप किसके अंदर चेंज होगा अपने आप जो दूसरा वेरिएबल है उसमें भी चेंज आ जाएगा यह होता है इलास्टिसिटी का मतलब अब हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड टू तो अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर

अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है या घट जाती है तो अल्टीमेटली आप जो अपना डिमांड होता है उसको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज अकॉर्डिंगली कर देते हो इनकम इंक्रीज़ हो गई तो हम क्या करते हैं हमारे डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है हमारी डिक्रीज़ हो जाती है तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स है बचे जो आपके डिमांड को डिटरमाइन करते हैं According to Professor Alfred Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded. यानी elasticity of demand जो है वो बड़ी या छोटी हो सकती है depending upon what किसके हिसाब से चलती है amount demanded which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price यानी कि vice versa जैसे ही तुम्हारी price बढ़ती है तो quantity demand क्या हो जाती है बच्चों rise फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वानिटी डिमांडेड फॉल्स यानी कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वान्टिटी डिमांडेड आपकी घट जाएगी राइट right? अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वान्टिटी डिमांड आपकी घट जाएगी अगर प्राइस घट गया तो क्वान्टिटी डिमांडेड क्या हो जाती है आपकी बढ़ जाती है इट इज क्लियर फॉम दी अबाउट डेफिनेशन दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म इलेक्ट्रिस डिमांड क्या है? एक टेक्निकल टर्म है विच डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमको क्या बताती है देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड यानी जो क्वांटिटी आपने डिमांड की हमारी जो डिमांड है क्वांटिटी की उसमें चेंज आ जाता है क्यू चेंज आ जाता है क्योंकि प्राइस में चेंज आ गया है इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज यानी कि अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करके समझे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये एग्जैक्ट जो है हमको फॉर्मूला मिलता है किसका हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ओके नाउ मूविंग अहेड विद एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट टाइप है जो हम पढ़ेंगे फिर थर्ड टाइप के अंदर और डिटेल में हम थोड़ा क्या करने वाले हैं बच्चों पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर तीन टाइप से सबसे पहला आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी सेकेंड टाइप है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी एंड देन थर्ड टाइप है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ओके okay, स्टार्ट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी से इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली यानी कि बच्चों यहाँ पर ध्यान देना हम किसकी इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं इनकम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जब इनकम के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्राइज़ विल रिमेन अनचेंज या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा प्राइज़ विल रिमेन अनचेंज प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा क्यों क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब आया है? जब आपकी इनकम में चेंज आया तो यहाँ पर प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है तो इनकम इलास्टिसिटी में हमको हमेशा याद रखना है अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम ओनली वेद प्राइज रिमेन अनचेंज प्राइज में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो नहीं रहेगा सिर्फ इनकम में चेंज आ रहा है तो क्वान्टिटी डिमांड जो है वो आपकी क्या हो रही है चेंज हो रही है मूविंग अहेड ओके अब इसको दिया है आपको फॉर्मूले में तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ई वाई वाई जो होता है बच्चों वो इनकम रेफरेंस के लिए होता है तो इनकम इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं राइट इज फॉर इलास्टिसिटी वाइज फॉर इनकम इट इज़ एक्सप्रेसडेज अब फॉर्मूले में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसको बेसिकली ये समझने की हम कोशिश करेंगे परसेंटेज चेंज अभी अभी हमने पढ़ा है ना इनकम इलास्टिसिटी के बारे में अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज परसेंटेज चेंज इन इनकम यानी कि हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे किससे परसेंटेज चेंज इन इनकम से अब इसको अगर हमको सिंबोलिकली बताना है तो ई वाई ऑफ इनकम इज इक्वल टू इसको हम इस तरीके से लिखते हैं परसेंटेज चेंज जहां पर यह दिया है इसका मतलब क्या होता है ओके है हमारा परसेंटेज ये है हमारा चेंज और ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड अब ये अगेन आता है परसेंटेज इसका मतलब होता है चेंज और ये होता है हमारा इनकम वाई होती है हमारी इनकम तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले लिया हमने जिसको डिवाइड करेंगे हम क्वांटिटी से अगेन डिवाइड हो गई हमारी परसेंटेज चेंज इन इनकम और हमारी ओरिजिनल इनकम से तो यहां पर इस तरीके से आपको क्या करना है उसको कैलकुलेट करना है जहां पर ये ये जो सिंबल दिया हुआ रिप्रेजेंट करता है आपके चेंज को क्यों रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल डिमांड को वाई रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल इनकम को फिर ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ेंगे यानी कि ये जो न्यू चेंज आया है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊ अगर तो ये जो ओरिजिनल इनकम दी हुई है हमारी ठीक है ओरिजिनल क्वान्टिटी और ओरिजिनल इनकम तो ओरिजिनल इनकम है हमारी समवेयर अराउंड से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ये हमारी ओरिजिनल इनकम है अब अगर हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम तो हमारी न्यू इनकम क्या होगी समझ लो न्यू इनकम जो है हमारी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है राइट तो ये ओरिजिनल इनकम है जो हमारी पहले थी अब चेंज होने के बाद में वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गई है ओके okay. तो यहां पर क्या होगा परसेंटेज चेंज इन इनकम तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो है वो हमारी न्यू इनकम है ओके ठीक है नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव

परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी समझ लो ए जो है वो हमारी चाय है और बी जो है हमारी कॉफी है तो इस तरीके से एक चेंज आया है उसकी वजह से दूसरा चेंज हमको परसेंटेज चेंज प्राइस में दूसरे के प्राइस में जो है वो आ गया है ए ओरिजिनल कमोडिटी है हमारी और बी जो है हमारी अदर कमोडिटी जो हम सब्सटीट्यूट मानकर चल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री भी मानकर चल सकते हैं सो वी हैव सिम्बोलिकली कॉफी ले यहाँ पर या फिर यहाँ पर कार ले लो यहाँ पर पेट्रोल ले लो तो एक का प्राइस दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है राइट right? तो इस तरीके से इस फॉर्मुले को दिया है वेर इन ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए सबसे पहले आया है ठीक है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए यहां पर है फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा ये है फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी बी और चेंज इन द प्राइस ऑफ बी चेंज इन द प्राइस ऑफ बी कमोडिटी बी तो ये ओरिजिनल प्राइस है और ये क्या है हमारा कमोडिटी बी का जो चेंज हुआ है प्राइस तो इस तरीके से इस इसको सिम्बोलिकली क्या किया जाता है आपके सामने बताया जाता है ओके okay. next we have is price elasticity price elasticity according to professor alfred marshall price elasticity of demand is the ratio of

अब इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जहां पर हमको क्वांटिटी ओरिजिनल दी गई है चेंज दिया गया है प्राइस ओरिजिनल दिया है चेंज दिया गया है एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द फाइनल आंसर यहाँ पर इन सब के क्लियरली हमको बताया है कि क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी है जो डिफरेंस आया है न्यू क्वांटिटी क्वांटिटी और ओरिजिनल में वो हमको बताना है ओरिजिनल प्राइस बताना है और डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस जो है वो हमको समझाना है यहाँ पर तो दैट इज हाउ वी पुट अप दी फॉर्मुला ओके क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पर हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट गुड्स में जैसे कि कार के प्राइस में अगर कोई चेंज आता है या फिर अगर पेट्रोल के प्राइस में चेंज आता है समझ लो पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अगर तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट किसको करेगा कार की डिमांड को करेगा अगर पेट्रोल के प्राइस ज्यादा है तो लोग प्रेफर करेंगे कि क्या यूज करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना तो कार की डिमांड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसी तरीके से अगर टी का प्राइस ज्यादा है तो हम दूसरी जो है कॉफ़ी जो है ऑप्शन में उसको प्रेफर करेंगे तो हमारी जो क्वान्टिटी डिमांडेड टी के लिए होगी वो चेंज हो जाएगी अब कॉफी के लिए हो जाएगी क्योंकि कॉफी के प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं है तो हम उससे ज्यादा खुश है एस कंपेयर टू टी तो दैट इज हाउ योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड्स ज्यादातर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्सिट्यूट जो होता है उनके लिए काम आता है ओके okay, यहाँ पर देखो आपको दिया है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जहां पर सब्सटीट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी दिया है कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दिया है टी एंड शुगर ओके अगेन जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में यहाँ पर नॉन रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है टी और बुक चाय और बुक का कोई लेना देना तो है ही नहीं राइट right, तो आपस में उनके डिमांड पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा तो ये भी कुछ क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर टाइप्स है जो हमको दिए है ओके आई होप वी आर क्लियर विद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद ओके नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों ध्यान देना यहाँ पर ये बहुत जरूरी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्योंकि इसके अंदर आपको कहां पर कितना चेंज आता है जिसकी वजह से आपके प्राइस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं फॉर दैट पर्पज यू नीड टू पे अटेंशन ओवर योर ओके नाउ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक पांच टाइप से जो हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वो हमको क्या बोलता है बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान में रखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर इनफाइनाइट है ये जो साइन है इसका मतलब होता है इनफाइनाइट ओके नाउ वेन जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी किसी भी कमोडिटी की प्राइस में किसी भी कमोडिटी की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया या जीरो चेंज रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आता है इनफाइनाइट चेंज आता है इनफाइनाइट का मतलब होता है दैट मीन दैट यू ऑल कैन नॉट काउंट राइट तो बहुत बड़ा चेंज आता है इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इट इज ओनली अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर एक्जाम्पल टेन परसेंट फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है ये किसके लिए होता है थोड़ा सा चेंज आना स्लाइटली चेंज आना या किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना तो इनफाइनाइट चेंज डिमांड के अंदर जो है वो लेकर आ सकता है तो किस तरीके के गुड कमोडिटी के लिए हो सकता है ये हो सकते हैं आपके लग्जूरियस गुड्स हम लेते हैं जैसे ज्वेलरी ले लेंगे या गोल्ड का प्राइस ले लेंगे हम राइट तो अगर हम मानकर चले गोल्ड के प्राइस में अगर गिरावट आती है तो क्वांटिटी डिमांड जो होती है उसकी वो क्या होती है बढ़ जाती है क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है हालांकि देखा जाए तो इसने एक और चीज़ हमको बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है रियल में इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है परफेक्टली so, डिमांड में आपको याद रखना है इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट और स्मॉल जीरो चेंज ब्रिंग्स अबाउट अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट सो इक्वल टू इनफाइनाइट अब हम देखेंगे इसका जो डायग्राम है ओके दिस इज द डायग्राम तो ये है हमारा ओरिजिनल यहाँ पर प्राइस अब डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल में आया है क्यों पैरेलल में आया है क्योंकि ईडी जो है वो हमको बता रहा है क्या है वो है इनफाइनाइट जो डिमांड है वो इनफाइनाइट हो सकती है तो प्राइस है यहाँ पर यहाँ पर क्वांटिटी है डिमांड कर्व डीडी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरल

Now, when a percentage change in price has no effect, when a percentage change in price has no effect on quantity demanded, it is called perfectly inelastic demand. यानि कि जबी भी price में change जाता है, लेकिन जो quantity demand हो रही है, उसके अंदर change नहीं आ रहा है, उसके अंदर change नहीं आ रहा है। ओके okay, उसमें चेंज नहीं आने की वजह से बच्चों क्या होता है क्या होता है यहाँ पर उसको हम बुलाते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी चीज का प्राइस अगर बीस परसेंट कम हो जाता है एक कमोडिटी का लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में किसी तरीके का फर्क जो है वो नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का फर्क जो है वो नहीं आ रहा है ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे दिया है सॉल्ट हो गया मिल्क हो गया तो इनकी क्वांटिटी डिमांड में किसी तरीके का चेंज जो है वो नहीं आने वाला है इसी के साथ साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एक साथ बहुत तो ही बढ़ाकर बढ़ा हम रख देते हैं राइट हमको जितनी कैपेसिटी होती है हम उतना ही क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं नाउ अब ईडी को इसमें बताया गया है अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो जीरो अपॉइंट क्योंकि हमने माना है यहां पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है तो जीरो तो मिल्क और पेट्रोल तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है रेयरली ऐसा कभी होता है कि इन चीजों के दाम जो है वो गिर गए हैं ज्यादातर इनके दाम जो है वो क्या होते हैं हमेशा बढ़ते ही रहते हैं ओके okay. तो, ये हमारा है, तो देखो प्राइस अगर बढ़ गया है तो हमारी डिमांड क्या हो गई है और प्राइस अगर घट गया है तो हमारी डिमांड यहाँ पर है राइट तो प्राइस घटे या प्राइस बढ़े हमारी डिमांड जो है वो ज्यादातर कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है तो ये एक एक्स एक्सिस के लिए वो हमारा पैरल लाइन कौन सा था जब परफेक्टली इलास्टिक था अब जब परफेक्टली इन इलास्टिक है तो हमारा पैरल क्या हो गया वाई एक्सिस से क्या हो गया डिमांड कर्व जो है हमारा पैरल हो गया द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरल टू द वाई एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो हमको बताती है कि किस तरीके से प्राइस में चेंज आने की वजह से भी क्वांटिटी जो डिमांड है उसके अंदर चेंज ज्यादा नहीं आता है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज्यादा नहीं आता है देफ ओडी इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट दैट वी हैव इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेर ईडी टू

इक्वल चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड सच डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक तो यहाँ पर जब प्राइस जो है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और आपका प्राइस जो है दोनों ही क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ढ़ गया तो क्या होता है उसकी जो क्वान्टिटी डिमांडेड भी फिफ्टी परसेंट घटेगी या फिर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी फिफ्टी परसेंट घटेगी या फिफ्टी परसेंट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी okay.

हमारा स्लोपिंग कर्व बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली हमारा जो कर्व है वो क्या हो रहा है यहां पर स्लोप हो रहा है हमारा डिमांड कर्व ओके इन फिगर थ्री पॉइंट थर्टीन दैट इज इन दिस फिगर इसका एक्सप्लेनेशन दिया व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपीपी वन ओके व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी वन फिफ्टी परसेंट डिमांड राइज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन फिफ्टी परसेंट डिमांड राइज हो जाती है यहाँ पर प्राइस फिफ्टी परसेंट घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी फिफ्टी परसेंट इनक्रीज होगी दर द स्लोप ऑफ द डिमांड कॉफ़ इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबुल इसीलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबुल यहाँ देखो डिमांड कॉफ जो है वहाँ पर हमारी डिमांड भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है यहाँ पर हमारी डिमांड जो है क्वान्टिटी डिमांडेड वो क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है

राइट right? किससे प्राइस के कंपैरिजन में और डिमांड इज सेट टू तो बी रिलेटिवली इलास्टिक फॉर एग्जांपल 50 परसेंट फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100 परसेंट राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड पचास परसेंट से अगर किसी का दाम कम होता है तो 100 परसेंट क्या हो रहा है यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है क्वॉंटिटी डिमांड यानी कि प्राइस कितना कम हुआ पचास परसेंट लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना हो गया फॉर एग्जांपल ये कब होता है आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक कंपनी है जो कि डिजाइनर शूज बनाती है ब्रांडेड शूज बनाती है वो लोग पर मंथ क्या करते हैं अपने जो भी शूज होते हैं उसके पेयर्स को डॉलर में बेचते हैं डॉलर हंड्रेड में ठीक है तो उनकी पर मंथ इनकम जो हो जाती है वो डॉलर टू थाउजेंड हो जाती है क्या हो जाती है डॉलर टू थाउजेंड जो होती है ये उनकी पर मंथ क्या हो जाती है इनकम हो जाती है क्यों क्योंकि डॉलर हंड्रेड जो है ये प्राइस में वो लोग क्या करते हैं शूज को बेचते हैं अब उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं प्राइस को कम कर देते हैं क्यों क्योंकि उनको सेल्स और ज्यादा चाहिए तो उन्होंने एटी कर दिया अब देखो ये जो है बच्चों ये होता है हमारा ट्वेंटी परसेंट चेंज इन योर प्राइस ट्वेंटी परसेंट चेंज क्या है तुम्हारे प्राइस में अब पर मंथ जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है और यहां पर हो गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ ये हो गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ तो यहाँ पर देखो अगर तुम तो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो क्वांटिटी डिमांड हो गई और ये ट्वेंटी परसेंट जो है वो हमारा क्या हो गया अ फॉल इन प्राइस हो गया अ फॉल इन प्राइस फिर से समझाती हूँ मैं इस एग्जांपल को जैसे एक कंपनी है एक पॉपुलर शू ब्रांड कंपनी है डिजाइनर शूज बेचती है कितने में डॉलर हंड्रेड में ठीक है हंड्रेड डॉलर में क्या करती है डिजाइनर शूज बेचती है पर मंथ उनकी इनकम कितनी हो जाती है टू थाउजेंड जो है वो पर मंथ आ जाता है उनके पास अब उन्होंने सोचा कि हमको प्राइस घटा देना चाहिए तो डॉलर एटी कर दिया तो जब प्राइस घट गया तो देखो उनकी इनकम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई किसकी स्टोर की बढ़ गई ठीक है तो क्वांटिटी डिमांड वहां पर क्या हो गई थी बच्चों क्वांटिटी डिमांड वहां पर इंक्रीज हो गई थी तो इस तरीके से कितना प्राइस डिक्रीज किया था उन्होंने सिर्फ ट्वेंटी परसेंट लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई थी ट्वेंटी फाइव परसेंट से बढ़ गई तो इस तरीके से क्या होता है मोर देन प्रपोर्शन चेंज जो है वो आता है द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इलास्टिक फिफ्टी परसेंट फॉल इन प्राइस लीड्स टू हंड्रेड परसेंट राइज इन डिमांड यहां पर बोला गया है मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज सो so प्लीज आप आ, ध्यान से देखो इन चीजों को जहां पर ये लिखा हुआ है ईडी कहाँ पर इज इक्वल टू इंफाइट दिया है कहां पर इज इक्वल टू जीरो है कहां पर इज इक्वल टू वन है कहां पर मोर देन वन है लेस देन वन है जब आप ये देखते हो तभी आपको बहुत अच्छे से याद हो पाएगा तो बच्चों ये चीज पे ध्यान देना जरूरी है तो इट इज अ मोर देन प्रपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो दिस इज द फॉर्मूला देन यहां पर दिया है हंड्रेड जो है हमारी चेंज डिमांड है और यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो घट गया है पचास परसेंट से तो ईडीक्वल टू टू तो ED अगर टू है तो डेफिनेटली वो किससे ज्यादा है ग्रेटर देन अगर टू आता है तो इट इज ग्रेटर देन वन ओके नेक्स्ट दैट वी हैव इज अगेन हम इसका डायग्राम जो है एक बार वो देख लेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तो ये हमारा प्राइस है प्राइस अगर आप देखोगे घट गया है op से op1 पर आ गया है क्वांटिटी डिमांडेड oq से oq1 की तरफ बढ़ गई है तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ है ह्यूज चेंज आया है हमारी डिमांड में ह्यूज चेंज आया है हमारी डिमांड में तो ed इज ग्रेटर देन 1 ed इज ग्रेटर देन 1 ओके तो ये जो है हमारा ये फ्लैटर स्लोप है अगर इसके पहले वाला हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो था हमारा रेक्टेंगुलर हाइपर बोल देखो किस तरीके का था किस तरीके का था ये रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा सा बनकर आया था लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो ये एक फ्लैटर स्लोप जो है वो बन रहा है यहां पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये बन गया है हमारा फ्लैटर स्लोप कर्व डिमांड कर्व अब जो है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक आता है जो कि हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप स्लोप जो है वो बच्चों किस में आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में आता है ओके रिलेटिवली इन इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे अगर हम तो ईडी इज लेस देन वन ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है लेस देन वन है यानी कि यहाँ पर प्राइस ज्यादा होगा ओके व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस प्रोपोर्शनेट चेंज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इसको याद रखना है इसको हम लेस देन बोलते हैं लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस की वजह से लेस देन प्रपोर्शन चेंज डिमांड में लेस देन चेंज आता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं उस डिमांड को हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक रिलेटिवलीस्टिकॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट फॉल इन प्राइस लीड्स टू ट्वेंटी फाइव परसेंट राइज इन क्वानिटी डिमांडेड अगर किसी कमोडिटी की फिफ्टी परसेंट क्या हुई है फिफ्टी परसेंट प्राइस जो है वो गिर गया है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट उसकी क्वान्टिटी डिमांड क्या हो गई है और ज्यादा इंक्रीज हो गई है

ये हमारा प्राइस है ओपी से ओपी वन पर प्राइस जो है हमारा फॉल हो गया है तो देखो क्वान्टिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ा है लेस देन प्रपोर्शन यहाँ क्वान्टिटी डिमांड में आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्वान्टिटी डिमांड में हमारा बहुत ही कम फर्क पड़ा है ये है हमारा डिमांड का विच इज ईडी वेर इन ई डी इज लेस देन वन वेर इन ई डी इज लेस देन वन फ्रॉम ओपी वन वेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपीपी वन 50 परसेंट प्राइस घटा है तो डिमांड कितना हमारा चेंज आया है डिमांड में सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट इनक्रीज है वो आया है डिमांड कर्व है कौन सा स्लोप है स्टीपर स्लोप बच्चों याद रखना है जब भी आपको टाइप्स पूछा जाता है आपको पहले तो बहुत अच्छे से यह टाइप्स को याद कर लेना है कहाँ पर ई डी इज इंफेनाइट जीरो वन लेस देन वन ग्रेटर देन वन ये आपको याद रख लेना है जब आप किसी भी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो आपको डिमांड कर्व के बारे में बताना है कि कहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है कहाँ पर वो स्टीपर है और कहाँ पर वो हमारा फ्लैटर स्लोप जो है वो आता है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके यहां पर आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी दिया है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया है वहां पर डिस्क्रिप्शन भी हमको दिया हुआ है तो ये एक सेल्फ स्टडी है जो आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सॉल्व होता है ओके okay. तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे होगा तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसके अंदर हमने तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे वो समझ में आ गए क्रॉस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइज इलास्टिसिटी अगेन प्राइज इलास्टिसिटी के अंदर हमने पांच टाइप्स देखे है परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिटरी देखा है हमने रिलेटिवली इलास्टिक देखा है रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी हमने देखा है जो कि